अगर ये तो चलिए आ रहा है क्लास में पीछे वो रोटेट में पीछे जा रहा है तो चलो देख भी रहा है क्यों यही तो प्रॉब्लम है इसको कैंसिल कीजिए सर समझे या तो अब ठीक है आप मोबाइल पकड़िए मैं स्टैंड की तरह चलिए लगाइए छोड़े अंदर बैक कीजिए लाइव हो गया क्लास सेवन इन प्लेस ऑफ In place of biology classes, now I will take your English class. Today we have to. Know about article. What is article? These three adjectives are called articles. These three adjectives are called articles. There are two types of article. First one is. Types of article. First one is definite article and second one is indefinite article. First one is definite article and second one is indefinite article. पहला क्या होता है कि definite article होता है और दूसरा indefinite article. Please write down. डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है जब कभी भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं और द का प्रयोग कहाँ करते हैं जब कभी भी निष्ठा का भाव होता है जब कभी भी निश्चिंता का भाव होता है तो हम लोग क्या करते हैं डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं आप लिख लेंगे द इज कॉल्ड or rather e
डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट डिनोट सम पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग इवेंट और ए ग्रुप ऑफ इवेंट। द का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कभी भी किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नामों का निश्चिंता होता है, और जब निश्चिंता होता है तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी द का प्रयोग होगा तो द का प्रयोग कब होगा, जब आपका डिफिनिट होगा, जब किसी खास पर्टिकुलर पर्सन का। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, कोई भी इवेंट या ग्रुप ऑफ इवेंट्स क्या होगा, पार्टिकुलर होगा। क्या होगा? पार्टिकुलर होगा। व्हेन द नेम ऑफ ए थिंग पर्सन प्लेस और इवेंट और ए ग्रुप ऑफ इवेंट्स इज डिफिनिट और इट इज पार्टिकुलर, देन बिफोर इट वी हैव टू यूज व्हाट इन डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल आपका क्या होता है? ए और एन। क्या होता है? ए और एन। ए और एन इज कॉल्ड एन इंडिफिनिट आर्टिकल, इज कॉल्ड एन इंडिफिनिट आर्टिकल। ए और एन इज कॉल्ड एन इंडिफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट यूजुअली लिव्स द पर्सन और थिंग इनडिफिनिट एज दे स्पोकन ऑफ। जब कभी भी किसी भी पर्सन हो प्लेस हो थिंग हो इवेंट हो या ग्रुप ऑफ इवेंट्स हो, तो हम लोग आर्टिकल ए और एन का प्रयोग उसके पहले कब करते हैं, जब वह छोड़ देता है, जहाँ पे इनडिफिनिट का भाव होता है, जहाँ पे क्या होता है अनिष्टा का भाव होता है। और जब कभी भी अनिष्टा का भाव होगा तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे ए और एन आर्टिकल का यूज करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे जब कभी भी हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते कब हैं, जब वहाँ पे किसी भी व्यक्ति और वस्तु के बारे में हम लोग कहते हैं लेकिन वहाँ पे अनिष्टा का भाव होता है। वहाँ पे किस का भाव होता है? अनिष्टा का भाव होता है, इनडिफिनिट का भाव होता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे हम लोग आर्टिकल
एन या ए का प्रयोग करते हैं। आप लोग का कोई क्वेश्चन? आर्टिकल नाउ, हम लोग आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहां करते हैं? तो यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन इज डिटरमाइंड बाय द प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। इफ ए वर्ड बिगिंस With a consonant sound, then before it, article A is used, but when a word begins with a vowel sound, समझिए, यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन इज डिटरमाइंड बाय द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। ए आर्टिकल ए और एन का जो यूज होता है, आर्टिकल ए और एन का जो यूज होता है वह किस पे डिपेंड करता है? वह डिपेंड करता है उसके साउंड पे। इफ ए वर्ड बिगिंस विथ ए कंसोनेंट साउंड, जब कभी भी किसी शब्द का उच्चारण अगर कंसोनेंट लेटर से शुरू होता है, कंसोनेंट साउंड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, जैसे देखिए एग्जांपल में, एज फॉर एग्जांपल, एन आवर्स डिले, तो यहाँ पे एन का यूज, आप जानते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे शब्द का उच्चारण क्या है आवर में, आवर अ, यहाँ पे जो उच्चारण है वह अ का है, और अ को अगर हम लेटर में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए, जब ए आएगा तो एन का यूज सही होगा। जबकि आपका जो ये एच है, ये आवर किससे स्टार्ट होता है, एच से,
और एच जो है वह कॉन्सोनेंट लेटर है, क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन यहाँ लेटर से कोई मतलब नहीं है, इसका शब्द का उच्चारण जो है उससे मतलब है। स्पष्ट लिखा है इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, जो वर्ड होगा, जो कोई भी शब्द होगा, अगर उस शब्द का उच्चारण अगर भावेल होगा, भावेल होगा तो एन का प्रयोग होगा, अगर उस शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप बोलते हैं ए वन आइड मैन, ए वन आइड मैन, देखिए यहाँ पे वी हैव टू सी सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये वन आइड मैन, वन रुपी नोट, वन साइडेड गेम, यहाँ पे देखेंगे ये सभी वन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है वन लिखा हुआ है और ये ओ जो है वो क्या होता है? भावेल लेटर। ओ क्या होता है? भावेल लेटर। जब ओ भावेल लेटर होता है तो यहाँ पे हम लोग भावेल लेटर से कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या जिससे है? इसके साउंड से, इसके प्रोनाउंसिएशन से है। तो अगर आप वन को हिंदी में लिखते हैं तो ये वन लिखाएगा और इसका उच्चारण वह होगा, और वह को हम लोग कभी भी लिखते हैं तो डब्ल्यू या भी से लिखते हैं। इट मीन्स दैट द वर्ड्स आर बिगनिंग विथ व्हाट कॉन्सोनेंट, द वर्ड्स आर बिगनिंग विथ व्हाट कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स वाई वी हैव टू यूज व्हाट ए बिफोर इट। अगर यहाँ पे आप एन का प्रयोग करते हैं तो गलत होगा। नाउ सम मोर एग्जाम्पल ऑन आर्टिकल, ऑन द यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जब कभी भी हम लोग करते हैं इसका प्रयोग तो वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। काउंटेबल नाउन तो होगा ही, लेकिन वह सिंगुलर होना चाहिए, बिकॉज ए और एन denotes, a or an denotes only one thing or person. a or an जो होता है वह सिर्फ किसी एक व्यक्ति या वस्तु को प्रस्तुत करता है, बताता है। इसका मतलब है कि हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल a और an का यूज करेंगे। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जैसे आवर, ऑनेस्ट, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि ये वर्ड्स जो है, ये दोनों वर्ड एच से स्टार्ट हुआ है, दोनों वर्ड जो है एच से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इस दोनों वर्ड का अगर साउंड देखेंगे तो साउंड क्या आता है? आ, जैसे फिर होता है एयर, तो इसका भी उच्चारण आ आता है। तो इन सभी शब्दों के पहले हम लोग क्या करते हैं? इन सभी शब्दों के पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं?
एन का यूज करते हैं। अच्छा सर, मिथिलेश सर, मिथिलेश सर लाइव क्लास कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए इसको। हाँ, किसी को पकड़ के सेट करवा लीजिए, इंटरव्यू है इनका।